हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक जगत नेगी में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जगत नेगी द्वारा सदन में किन्नौर में जिला उपायुक्त द्वारा की जा रही अनदेखी को लेकर विधायक के अधिकार का मामला सदन में उठाया और विधानसभा अध्यक्ष विधायक के अधिकार के संरक्षण की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम जवाब देने के लिए खड़े हुए तो जगत नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष से जवाब देने का आग्रह किया और कहा कि ये सवाल सरकार से नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष इस पर संज्ञान। जिस पर मुख्यमंत्री भड़क गए और जगत नेगी को बदतमीज का कह दिया। वही कांग्रेस विधायक जगत नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री को वक्तव्य देना था, संभल कर देते। लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री की दुखती रग छेड़ दी, जिस पर भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि जो मामला सदन में उठाया था वे सरकार या मुख्यमंत्री से नहीं था, ये विधायक का विशेषाधिकार मामला था जो जिला के उपायुक्त के खिलाफ था। मुख्यमंत्री को पार्टी बनने की इसमें आवश्यकता नहीं थी, ना ही टिप्पणी करने की। इस तरह की टिप्पणी करके वह जांच को प्रभावित करना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री द्वारा की गई सदन में मुख्यमंत्री से इस तरह का व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती है। यह मामला सदन के अंदर ही निपट गया। मुख्यमंत्री को उन्होंने गरिमा को ध्यान में रखते हुए जवाब दिया है। वैसे तो आज आखिरी दिन था, मुख्यमंत्री जी को जो भी वक्तव्य देना था बड़े संभल के देते, परंतु मुझे लगता है कि जो बात मैंने वहां रखी उनके दिल पे जो है जो एक दुखी रग को उनको छेड़ दिया लगता है, क्योंकि मैंने जो मामला उठाया था वो कोई मुख्यमंत्री या सरकार से मामला नहीं था, ये जो है एक विधायक के विशेषा अधिकार का मामला था जो जिले के उपायुक्त के खिलाफ था। तो उसमें मुख्यमंत्री को जो है पार्टी बनने की आवश्यकता नहीं थी, ना ही मतलब किसी जो व्यक्ति के खिलाफ विशेष अधिकार का मामला सदन में मैंने दिया है उसके ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसमें अगर किसी किस्म की टिप्पणी करते हैं या किसी पक्ष को साथ देने की कोशिश करते हैं तो उससे ये लगता है कि वो जो इंक्वायरी होनी है उसको ये जो है पहले ही मतलब प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल जो है संवैधानिक भी नहीं है, न्याय संगत भी नहीं है, और एक मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति से आशा नहीं की जा सकती है। नहीं, वो सदन के अंदर मामला जो था सदन के अंदर ही निपट गया है। जिस लहजे में उन्होंने मेरे से बात की, जिस भाषा में उन्होंने मुझसे बात की, मैंने गरिमा को रखते हुए जो है जो भी उसका उत्तर दिया, जो भी जवाब दिया, मैंने जो है संवैधानिक जो असंसदीय जो होता है या पार्लियामेंट्री लैंग्वेज को ही ध्यान में रख के किया है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक किस्म से जो मैंने जो वहां पर विशेषाधिकार का जो प्रस्ताव रखा या कंप्लेंट किया उसमें वो जो है खुद पार्टी बनकर जो है इंक्वायरी को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे व्यवहार के बारे में वो बता रहे थे। मेरा व्यवहार जो है उसका सर्टिफिकेट मुझे मुख्यमंत्री ने नहीं देना है। अगर मेरा व्यवहार असंसदीय हो, अनपार्लियामेंट्री हो, वो आसन पर जो है वहाँ बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे हैं, वो उसके ऊपर जो है जरूर जो है उसके ऊपर अपना जो है जो भी फैसला वो दे सकते हैं, परंतु मुख्यमंत्री कोई नहीं होते कि जो मैं किस तरह से वहाँ पर अपनी भाषा का प्रयोग करूँ, मैं किस तरह से सदन में अपनी बात रखूँ, उसके लिए मुझे आज़ादी है और आज़ादी मुझे जो है संविधान ने दिया हुआ है। मुख्यमंत्री जो है डराकर अपने पद से डराकर मुझे जो है मेरे संवैधानिक जो मेरे कर्तव्य है उसके निर्वहन में मुझे रोक नहीं सकते। एक बार नहीं अनेकों बार माने मुख्यमंत्री इस तरह से पेश आए, जब मैं मोदी जी के बारे में कुछ बोलता हूँ तब इनको चूकती है, चाटुकारिता इन्होंने करनी है, जब ये अपने जो भाषण में मोदी जी का व्याख्यान करते हैं या जो बजट में मोदी जी की तारीफ करते हैं तो मुझे भी अधिकार है कि मोदी जी किस किस काम में जो है फेल हुए हैं, कहाँ पर उनकी नीतियां गलत है, वो कहने का मेरा अधिकार है। और जब मैं मोदी जी के ऊपर बात करता हूँ तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसका व्यवहार देखो ये ठीक नहीं है, और ये कहते हैं कि ठंडे इलाके का आदमी है, गर्म हो रहा है। तो इस किस्म की जो है भाषा का प्रयोग करके एक जनजाति क्षेत्र से आए विधायक को ये जो है कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। और अगर इस किस्म का व्यवहार, अब तो आखिरी दिन है आज, अभी 3-1 घंटे और सदन चलना है, इस बीच अगर दोबारा भी अगर इस किस्म का भाषा प्रयोग करेंगे हम भी जो है मकूल इसका जवाब देंगे, और बाहर सदन के बाहर करेंगे वहाँ भी हम पूरा उसी तरह से जवाब देंगे।